हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई व्लॉग सीरीज जो कि बेसिकली है कुमाऊँ पर बेस्ड। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं किसी यात्रा पर नहीं निकला, तो अभी जब गुड फ्राइडे पर एक लॉन्ग वीकेंड पड़ा था तो मेरी गुड फ्राइडे के पहले भी एक दिन की छुट्टी थी, तो मेरे पास कुल मिलाकर 4 दिन थे। तो मैंने प्लान किया इस बार इन 4 दिनों में कुमाऊँ घूमने का। कुमाऊँ वैसे मैं इसके पहले भी जा चुका हूँ, पर फिर से मन हुआ कि इस बार कुमाऊँ चला जाए और कुछ जगहों को घूम कर आया जाए। यात्रा का प्लान कुछ इस प्रकार से था कि मैं नोएडा में अपने घर से हल्द्वानी तक बस से जाऊँगा, और हल्द्वानी में मैं एक बाइक रेंट पर लूँगा, और उसके बाद हम जहाँ भी हमारा मन करेगा वहाँ निकल पड़ेंगे। कोई फिक्स प्लान लेकर हम नहीं चल रहे थे। और इस यात्रा में मेरे साथ था मेरा एक पुराने ऑफिस का दोस्त जो पिछले काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहा था कि कहीं यात्रा पर जाना हो तो मुझे ही बताना। तो हम दो लोग इस प्लान को फॉलो करते हुए नोएडा से शुरुआत करते हैं, और जिन जिन जगहों पर हम गए थे उन सभी जगहों के वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बुधवार की शाम को ऑफिस निपटाकर हम दोनों लोग बस पकड़ने के लिए निकले, और हमने आनंद विहार से हल्द्वानी जाने की बस पकड़ी जिसने हमें सुबह करीबन 6:30 बजे हल्द्वानी बस स्टैंड पर उतार दिया। बस स्टैंड पर उतरकर हमने सबसे पहले तो चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत आसपास टहले, फिर मैंने जिससे बाइक रेंट पर लेनी थी उन भैया को कॉल किया, और उन्होंने हमें बता दिया कि हमें बाइक लेने कहाँ पर आना है, और वहाँ से हमने एक ऑटो किया और हम चल पड़े काठगोदाम रेलवे स्टेशन की चौराहे पर, जिसके पास ही उनका घर है जहाँ से हमको बाइक पिक करनी थी। बाइक रेंटिंग की जो प्रोसेस थी हमने उसको कंप्लीट किया, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमने बाइक पर अपना सामान सेट किया, और वहाँ से हम चल दिए एक सबसे पहले एक पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर जाकर हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग तैयार थे पहाड़ों को नापने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारा कोई प्लान नहीं था, ना ही हमें कहीं पहुँचने की जल्दी थी, हमें बस पहाड़ों को नापना था, और बस इसी उम्मीद से हम वहाँ से चल दिए। अभी सुबह के 7:15 हुए थे और हवा में काफ़ी ठंडक थी, और ऐसी ठंडक वाले मौसम में बाइक पर घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है। सुबह का समय था और ज़्यादातर सड़कें खाली पड़ी थी, तो अगले 10 मिनट में हमने शहर को पीछे छोड़ दिया था। अब हमें यहाँ से तय करना था कि हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना है, तो हमने वहीं बाइक चलाते चलाते डिसाइड किया कि सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे भीमताल। तो हमने बस भीमताल के लिए जाने वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ दी और हम चल पड़े भीमताल की ओर। करीब 15 मिनट की बाइक राइड के बाद एक जगह पर हमें पानी की एक धारा बहती हुई दिखाई दी। पहाड़ों में ऐसी धाराएं आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। उस धारा के पास हमने बाइक रोकी और हाथ मुंह धोए, और उस धारा पे ही हमने ब्रश वगैरह किया। उसके सामने ही कुछ रेस्टोरेंट्स थे, जिनमें से एक रेस्टोरेंट ने पता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी इस समय आपको नाश्ते में आलू के पराठे चाय वगैरह मिल जाएगी। भीमताल के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो भीमताल समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक काफ़ी बड़ी झील है जो कि नैनीताल की झील से भी बड़ी है, और ये प्राकृतिक झील है यानी कि इसमें झीली हैं जिनसे पानी आता है और इसमें पानी भरता है। इसके अलावा इसमें बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है, तो इसमें आपको लगभग लगभग साल के 12 महीने पानी मिलेगा। ये एक ट्राइंगल के शेप में है और काठगोदाम से इसकी दूरी करीबन 10 किलोमीटर है, और ये काफ़ी अच्छी दिखती है आप जाएंगे तो। इस झील पर काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं, जिनमें से प्रमुख है पैडल बोटिंग, कयाकिंग, वाटर जॉर्बिंग, और इसके अलावा इस झील के बीच में एक टापू है जिस टापू पर एक एक्वेरियम बना हुआ है जहां पर एक रेस्टोरेंट भी है। तो जो भी लोग यहां पर आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग नाव के द्वारा उस टापू पर जाते हैं और वहाँ आराम से थोड़ी देर बैठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। झील पर पहुँचने के बाद
हमने एक जगह पर बाइक पार्क की और हम चल दिए झील की तरफ। हमें वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाने थे। जब हम वहाँ झील पर पहुँचे तो देखा कि झील की दूसरी तरफ कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना रखा था। वहाँ पर कुछ बंदे मौजूद थे जो कि अलग अलग तरीके की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे थे। तो अचानक ही मन में ख्याल आया कि जब हम भीमताल आए हैं तो क्यों ना इस बार यहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ट्राई की जाए। बस फिर क्या था, हमने तुरंत बाइक उठाई और हम पूछते पूछते चल दिए उस प्लेटफॉर्म पर या उस जगह पर जहाँ पर से ये सारी की सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है। जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही थी वहाँ पहुँचकर हमने सबसे पहले अपनी बाइक को एक साइड पार्क किया और फिर हम उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे जहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को करवाने वाले बंदे मौजूद थे। हमने उनसे बात की तो मालूम चला कि वहाँ पर पैडल बोटिंग, कयाकिंग, वाटर रिजर्विंग ये सारी एक्टिविटीज़ इस समय हो रही थी और जिनके अलग अलग चार्जेस थे। पैडल बोटिंग क्योंकि मैंने कई जगह कर रखी थी तो मेरा उसको करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, बट कयाकिंग और वाटर रिजर्विंग मेरे लिए दोनों ही नई एक्टिविटीज़ थी जिनको करने का मेरा काफ़ी मन था। तो मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इन दोनों ही एक्टिविटी के लिए 200 रुपये ईच हमें देने होंगे, यानी 200 रुपये कयाकिंग के पर पर्सन और 200 रुपये वाटर रिजर्विंग के पर पर्सन। क्योंकि हम दो लोग थे तो यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ के दो लोगों के हिसाब से टोटल 800 रुपये हो रहे थे। अब चूंकि इन एक्टिविटीज़ को करने का हमारा बहुत मन था तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी अपनी बार्गेनिंग स्किल्स अप्लाई की और जो एक्टिविटीज़ के 800 रुपये लग रहे थे उनको मैंने 600 रुपये में तय किया। और तय करने के बाद उन्होंने हमको लाइफ जैकेट्स पहना दी और पहला नंबर था हमारा कायाकिंग का। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कायाकिंग क्या होती है। कायाकिंग एक्चुअली एक लंबी सी नाव होती है जो कि कई जगहों पर सिंगल पर्सन के लिए भी होती है, कई जगहों पर वो आपको दो लोगों के एक साथ बैठने वाली भी मिलेगी। यहाँ पर जो थी वो दो लोगों के एक साथ बैठने वाली नाव थी। तो हम दोनों ही लोगों को इस तरीके से बैठना था कि हमारी कमर के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आगे पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट आगे रहें। तो इसी पोजीशन में हम दोनों उस कयाक में बैठ गए। हम दोनों के हाथों में एक एक पैडल था। पैडल के थ्रू हमको लेफ्ट और राइट इस तरीके से पानी को पुश करना था कि हमारा कयाक जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि जब आपको कयाक को मोड़ना है तो अगर आपको कयाक को राइट साइड मोड़ना है तो आप लेफ्ट साइड के पैडल पुश करेंगे तो कयाक आपका राइट साइड जाने लगेगा, और अगर उसको लेफ्ट साइड मोड़ना है तो आप राइट साइड के पैडल को पुश करेंगे तो आपका कयाक जो है वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, यानी कि जिस दिशा में आपको कयाक को लेकर जाना है उसके अपोजिट दिशा के पैडल्स आपको चलाने हैं जिससे कयाक आपका एक साइड मुड़ने लगेगा। और अगर आपको कयाक को सीधे दिशा में ले जाना है तो दोनों ही साइड के पैडल आपको पैरेलली चलाने होंगे। जैसे ही हम लोग कयाक पर बैठे और हमने कयाक को उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आगे किया तो हमारा जो रोमांच था वो एक अलग ही स्तर पर था। अब हम झील में के पानी में थे और हमारे हाथ में पैडल्स थे जिन पैडल्स को चलाने पर हमारा कयाक आगे की तरफ बढ़ रहा था और हम झील के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए थे। इस जगह से जो एक झील में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, झील में एक बीच में टापू है, यहाँ पर एक एक्वेरियम और एक रेस्टोरेंट है, वो भी हमको दिखाई देने लग गया था। हम लगातार कयाक को आगे की तरफ पुश कर रहे थे और जब थक जाते थे तो उसको ऐसे ही लहरों में पड़ा रहने छोड़ देते थे। वो लहरों के साथ हल्का 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 हिलता हुआ इधर उधर होने लगता था। ये अपने आप में एक बड़ा ही सुखद एहसास था जिसको शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। करीब 5 मिनट की प्रैक्टिस के बाद अब ये कयाक एग्जैक्टली उसी दिशा में जा रहा था जहाँ हम इसको ले जाना चाहते थे। तो अब जो हमारा रोमांच है वो और एक लेवल ऊपर पहुंच गया था क्योंकि अब ये हमारी हिसाब से ही चल रहा था। तो हम इसको जितना मर्जी चाहे उतना आगे जाते थे। हमारे पास पूरा एक आधा घंटा था। इस आधा घंटे में हम जहाँ तक जाएं वहाँ तक इसको ले जा सकते थे। बस ध्यान ये देना था कि उस आधा घंटे में हमको वापस भी आना था। तो हम उतनी ही दूरी पर गए जितनी दूरी में हम वापसी में इसको 10 या 15 मिनट में फिर से वापस प्लेटफॉर्म तक ला सकें। 20 मिनट तक हम कयाक को अपने हिसाब से झील के आगे तक लेके गए और जब लास्ट के 10 मिनट बचे थे तो हमने कयाक को वापस लाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे आधे घंटे की जो लिमिट थी वो एक्सीड हो जाती।
की स्टार्टिंग होने के बाद हमने शुरुआत में तो बहुत दमखम से उसको पैरों से धकेलना और हाथों से धकेलना शुरू किया, और स्थितियाँ वो भी आ जाती थी कि हम उसको घुमाते घुमाते उसके अंदर ही गड़बड़ होने लगते थे, ऊपर नीचे होने लगते थे, एक दूसरे को गिरने लगते थे। बट फिर से हम उठते थे, फिर से हम उसको धकेलने की कोशिश करते थे और फिर हम वही गड़बड़ होना, गिरना, एक दूसरे के ऊपर, यही से चलता रहा। बमुश्किल हमने इस एक्टिविटी को कुछ 7-8 मिनट कर पाया होगा। उसके बाद हम बोले बहुत ज़्यादा थक गए, तो फिर यही डिसाइड किया कि अब इसको यहीं पर बंद करते हैं और इसके बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद हम बाहर आए और बाहर आकर हमने जो पेमेंट थी वो की, प्लस अपने मोबाइल फ़ोन्स और जो भी चीज़ें हमने वहाँ पर रखी थी बाहर उनको उठाया, अपने बैग में सारा सामान इकट्ठा किया और फाइनली हम यहाँ पर रेडी थे भीमताल को यहाँ से अलविदा कहने के लिए। और इस तरह से हमारा यहाँ पर भीमताल का जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने यहाँ पर 2 तरीके की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जो कि बिल्कुल हमारे नई थी, और ये संभव हो पाया क्योंकि हम लोग बाइक से यहाँ पर आए थे। अगर हम बस से कहीं जा रहे होते तो जो बीच के पॉइंट से हमको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप सिर्फ देख पाते हैं कि हाँ यार ये जगह भी पड़ी थी, और वहाँ पर आप कुछ भी कर नहीं पाते हैं रुककर। तो बाइक से आने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक यही है कि आपका जहाँ मन करे, जो मन करे, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो यही एक कारण था कि हमने यहाँ पर भीमताल लेक को देखा, हम यहाँ रुके, फिर देखा कि यहाँ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है, हमने हमको बहुत अच्छे से इंजॉय किया और अब हम तैयार हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है। और इसको जल्द हम डिसाइड करके फिर से वापस आएंगे एक नई ब्लॉग सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।